बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहां भी हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है महलीज और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब के चैनल पे। आज का वीडियो जो आपके लिए लेकर आई हूँ, इट्स बाय नन अदर देन रिजवान जी। रिजवान जी के वीडियोज मुझे बड़े मजे के लगते हैं, और यू नो व्हाट, मैं जब ये वीडियोज आप लोगों के साथ देखती हूँ तो मैं उसी वक्त ये वीडियो देख रही होती हूँ। तो और चंद ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो व्हेन आई वॉच दीज वीडियोस विद यू तो मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड आई लर्न सो मच अबाउट कि वहां पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यू नो। एंड आई गेट बोथ टाइप ऑफ व्यूज। मैं एक जगह के नहीं सुनती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों के सुनती हूँ, एंड देन आई फॉर्म माय ओन ओपिनियन ऑन दैट। मगर वीडियो पे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके साथ साथ आप हमको PayPal, Patreon, OnlyFans, इन सारी जगहों पर जो है आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ आवर YouTube चैनल नाउ, सो मेक श्योर कि आप जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप के अपने पर्क्स होते हैं। चले आए इस वीडियो की तरफ चलते हैं, और फिर उसके बाद में जब मैं थोड़ा जान लूंगी फिर उसके बाद में अपने व्यूज दूंगी। तो साहब, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद जो एक्सकेवेशन लगभग 3 माह चला, अब दूसरा पक्ष भी अपना तर्क रख रहा है, तर्क भी रख रहा है और कुतर्क भी कर रहा है। तो इसी पर करेंगे आज छोटी सी चर्चा कि अगर तर्क भी रखना हो तो जरा कायदे का रखो, ऐसा रखो जो सुनने समझने में एक न्यूनतम विवेक के आदमी को भी समझ आए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो साहब, जब रिपोर्ट सामने आई जिस पर भाई विष्णु जैन ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस रिपोर्ट को पढ़ पढ़ के बताया, पहली चीज तो यह सामने आ रही है कि छोटे छोटे ही सही, लेकिन कम से कम 8-9 तरीके के शिवलिंग वहां से प्राप्त हुए हैं, अलग अलग स्थानों से। कुछ खंडित हैं, कुछ पूरे पूरे हैं, और इसके अलावा कई देवी देवताओं की छोटी छोटी ही सही आकृतियां वहां पर बरामद हुई हैं, जो मेन चीज है। इसके अलावा जो चीज है कि बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर पहले बना हुआ था, एक बाद में बना, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें एक्सपर्ट्स इस पर कमेंट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब सुनते हैं कि इसमें दूसरा पक्ष क्या कह रहा है। पहली चीज तो मैं ये मानता हूं कि अगर विष्णु जैन झूठ बोल रहे हैं तो इस्लाम मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है वो तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ये बताए कि विष्णु जैन ने जो ASI की रिपोर्ट के पन्ने पर बातें पढ़ पढ़ कर बताई हैं ये किस तरीके से झूठ है, किस तरह से शब्दों का एक जाल बुना गया है और इसमें सबको फंसाकर भ्रमित किया जा रहा है। क्योंकि जो ये सर्वे रिपोर्ट दी गई है ये सिर्फ विष्णु जैन को नहीं दी गई है, ये दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को और दोनों पार्टियों को सरकारी खर्चे पर दी गई है, या खुद खर्चा दिया हो सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए, वो एक अलग बात है। अब जितने लोग उतनी बातें, पहले तो जब मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे ज्ञानवापी तो भाई वहां पर उनको बड़ा सम्मान मिला, सम्मान ऐसे मिला कि जो माशाल्लाह जुमे के दिन वहां पर भीड़ निकल रही थी, उनके प्रतिनिधियों ने, इंतजामिया कमेटी के प्रतिनिधियों ने वहां पर अगर बात भी करने की कोशिश की, आप लोग देख रहे हैं, उनको बात ही नहीं करने दी और एक तरह से धक्कम लात शुरू हो गई, और धक्का मारते 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 वो उन्होंने मीडिया को वहां से लोगों ने खदेड़ दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, जब इंतजामिया कमेटी के वकील साहब को मैंने सुना, जाहिल आजम साहब क्या बोले ये बाद में कवर करते हैं, तो जब इनके इंतजामिया कमेटी के वकील साहब को मैंने सुना
तो ये कहते मिले कि मस्जिद तो हजारों साल पुरानी है। ठीक, एक साहब कह रहे हैं मस्जिद हजारों साल पुरानी है, वही मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये एक रईस ने बनवाई थी औरंगजेब के शासन के टाइम, यानी मुगलों के शासन के टाइम, और उसके बाद इसका विस्तार औरंगजेब ने किया था और इस मस्जिद को तीन पार्ट्स में बनाया गया है। अब यहीं पर ढोल आना शुरू हो जाता है, क्यों नहीं ये बातें कि इन मस्जिद को तीन पार्ट में बनाया गया है, एक पार्ट के ऊपर एक पार्ट बनाया गया है, रिपोर्ट आने के बाद शुरू हो रही हैं, जिस रिपोर्ट ने ये कहा है कि एक यहाँ पुराना स्ट्रक्चर था और एक उसके ऊपर या उसके साथ नया स्ट्रक्चर बना है। अब रिपोर्ट के बाद ये चीज शुरू हो गई। जितने दिन मैंने इस मुद्दे पर बात की है, पढ़ा है, व्लॉग, इससे मुझे वो एक मीम याद आ गई, वो जब कोरोना वायरस आया था ना, तो वहां पर एक तस्वीर बनी हुई थी जहां पर वो वैक्सीन बना रहा था और मुल्ला उसके यहाँ पर खड़ा हुआ है सर पे ना, तो उसे पूछता है तुम यहाँ सर पे मेरे क्यों खड़े हुए हो, तो मुल्ला कहता है कि मैं तैयार खड़ा हूँ कि तू इस चीज को तैयार करे और उससे पहले उसके बाद जाके मैं कह दूं कि इसका तो मैंने पहले ही बोला हुआ था। ये वही बात होगी, यू नो, जब चीज निकल के आती है तो एनीवेज ये खुदाई और ये सारी चीजें जो हो रही है ना, इससे मुझे, मैंने ये पहले भी चीज कही है कि आई थिंक हम लोगों को सऊदी अरब और ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है ना जहां से इस्लाम निकला है, पैदाइश हुई है, यहाँ जाके खुदाई करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वहां से बहुत सारी सच्चाई या झूठ जो भी है वो निकल कर आएंगे। भैया बहुत सारी स्टोरीज गढ़ी है हमको, वो यहाँ की पहाड़ी थी, यहाँ से यूं भागते रहे, अभी भी है, राइट, वहां से वो आबे जमजम जो निकलता है वो निकलता ही आ रहा है। ट्रूथ, और वो ऐसे ही मिलता है आपको, एक्सकेवेट करेंगे आप, देखे ना वहां पे क्या है, वी डोंट नो, इतना खजाना हो सकता है, वी डोंट इवन नो। खैर, मैं तो अपनी सोच उधर चल रही आती ना, क्या करें, बट देखे हैं, डिबेट्स में गया हूं, वहां सुना है, एक्सपर्ट्स को सुना है जो मस्जिद पक्ष के हैं, वो अभी तक सब यही कहते नजर आए कि भैया ये औरंगजेब ने बनवाई थी। आज एक नया करेक्टर सामने आ जाता है, कोई रईस जौनपुर का या कहीं का, कि भाई ये उसने बनवाई थी। साहब ने ये तक बोल दिया, इस्लामी इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी ने, मोहम्मद यासीन साहब ने, कि साहब हो सकता है इससे पहले ये कोई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री हो जिस पर मस्जिद बनाई गई, ये तक बोल दिया। फिर उन्होंने ये भी बोला कि अब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट क्या अल्लाह को भेजी जाएगी। यार अल्लाह को बीच में ना लाओ, अल्लाह से डर रहे होते तो ये सब काम ही ना होते ना, ये दिन ही ना देखने पड़ते कौम को, है ना, तो अल्लाह को बीच में मत ले आया करो। अपनी हरकत है, औरंगजेब की हरकत है, तुम्हारी पैरवी है, तुम्हारी जिद है, तुम करो जो करना है करो, इस्लाम का सहारा और अल्लाह को बीच में ना घसीट के लाया करो, पहली चीज। दूसरी चीज, चौथी चीज, अब इसके बाद जो गेम बदलता है उसमें एक साहब ये कहते हैं कि इन्हीं के पक्ष के 1991 का वर्सिप एक्ट जो है वही लागू होना चाहिए था। हाँ, अब क्या बीच में आ गया, अब बीच में आ गया कि साहब यहाँ तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बस लागू होना चाहिए 1991 का। ठीक, इधर इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी कह रहे हैं कि ये जमीन बिल्कुल साफ सुथरी एक खाली जगह पर बनाई गई थी, वहां पर कोई भी मानव निर्मित चीज, मंदिर या कोई भी ना मानव निर्मित चीज नहीं थी। तो भयंकर कंफ्यूजन है आपसी में, सारों में कि भैया आखिर में हमको अपनी डिफेंस लेनी क्या है। मैं तो बार बार कहता हूं कि जो विष्णु जैन बोल रहा है, रिपोर्ट आपके पास आई है और आप ये बोल रहे हैं, आपके वकील ये बोल रहे हैं, सरसरी तौर मैंने देखा है और उस पे पूरा पढ़ा जाएगा तो उस पे कोई कंक्लूजन निकाला जाएगा। जी, हमने सरसरी तौर पर देखी है, सरसरी तौर पर, इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ये कह के कि जो विष्णु जैन बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। और एक नया एंगल सामने आया, एंगल क्या सामने आया, अभी आप देखिए सारे ये नए नए एंगल सामने आ रहे हैं, ये 2.5 साल से आपने एंगल नहीं सुने होंगे,
जरा ये एक नया और एंगल सुन लीजिए। तो उसमें फिगर्स हैं वो है, अगर कहीं के मलबे पड़े हुए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए कि हमारे हमारी एक बिल्डिंग थी जिसको हम लोग नॉर्थ गेट या छत्ता द्वार के नाम से कहते थे, उसमें हमारे 5 किरायेदार थे। उस वो किरायेदार सारे जो है तो मूर्ति बनाते थे, और उसमें जो मलबा वलबा था वो अक्सर पीछे की तरफ फेंक दिया उन्होंने। तो जी अब नया एंगल ये सामने आ गया कि इसी मस्जिद में 4 दुकानें थी जहां पर कई वर्ष पहले मूर्तियां बना करती थी, तो वो मूर्तिकार उन मूर्तियों को या शिवलिंग बना करते थे। मस्जिद के प्रांगण में इस तरह की दुकानें थी, ठीक है, और वो बहुत साल पहले थी, 40 साल पहले थी, और वो वहां पर जो मूर्ति मूर्ति या शिवलिंग बनाते हुए टूट जाता था वो वहां कूड़े में फेंक दिया करते थे। और वो 40 साल से 1993 से पहले थी ये दुकानें, तो और वो 40 साल में वो कूड़ा वहीं का वहीं पड़ा रहा, 40 नहीं लगभग 30 साल में वो कूड़ा वहीं का वहीं पड़ा रहा, जो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे को ढूंढने पर मिल गया। साथ में आप ये भी कह रहे हैं, हाँ वो क्या कह रहे हैं जाहिले आजम साहब, जाहिले आजम साहब, आई एम सो कंफ्यूज्ड। पाकिस्तान में ना हम एक चीज क्या करते थे, हम यूं यूं करके ना लपेटो लपेटो फेंकते जाओ, दूसरा जो सामने से जब फेंक रहा होता है ना, जब यू नो सम पीपल लाइक टू जस्ट टॉक, तो आप लपेटो 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 और फिर इसको निकालना और पतंग उड़ाना, इसको हम इस तरीके से बोलते थे। तो आई एम सो कंफ्यूज, कभी कोई कुछ बोल रहा है तो कभी कुछ बोल रहा है, तभी आई नो रिजवान जी कहते हैं इसका इस्लाम से कुछ ताल्लुक नहीं है, मगर आई एम सो सॉरी, आप खुद ही देख लें इस्लाम के कितने फिरके हैं, इनका खुद ही नहीं बनती, कभी कोई शिया है तो कोई अहमदी है तो कभी सुन्नी है तो कोई बरेलवी है तो पता नहीं कोई कौन है, और फिर उनके बीच में भी सुन्नियों को भी आप उठा लो तो उनमें भी जो है एक हदीस को 10,000 तरीकों से लोग सोच रहे होते हैं, हर किसी का अपना अपना है भाई, अपना अपना बनाया हुआ है किसी ने, तो इस पे कहां से ये लोग एक आपको स्टोरी दे देंगे, नेवर अ स्टोरी। आई एम सो कंफ्यूज। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उन्होंने लिखा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो भी ये रिपोर्ट है ये इतना लेवल के आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को इम्प्रेस नहीं कर सकती, उनको ये संतुष्ट नहीं कर सकती, ये मजाक बनाया जा रहा है आर्कियोलॉजी का, आर्कियोलॉजिस्ट का, और ये कहीं भी खड़ी नहीं हो सकती। ख्याति प्राप्त जाने माने एक्सपर्ट्स हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिकल सर्वे की, और एएसआई तो किसी विज्ञानी ने कहा था एएसआई तो हिंदुत्व का एक हथियार है। बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली। यानी आपने बोला, जाहिले आजम साहब ने बोला कि भाई ये जो रिपोर्ट है, कोई भी जो लोग ऐसे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट होंगे उनके सामने बिल्कुल बेकार है, उन्हें कन्विंस नहीं कर सकती, सेटिस्फाई संतुष्ट नहीं कर सकती। बस लिस्ट दे दो जिनकी तुम बात कर रहे हो, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट, लिस्ट दे दो। लो रिजवान जी, साइंस छू छू के नहीं गुजरी है इनको, ये तो अभी तक फ्लैट अर्थ पे बैठे हैं, ये तो समझते हैं कि सूरज जो है वो गिरदिश में है, पता नहीं क्या क्या, तो किन से साइंस और इन चीजों की बात कर रहे हो आप, ये साइंस कैसे स्पेल की जाती है इनको तो यही नहीं पता, तो ये कौन सा आर्कियोलॉजी, आप इनके सामने कुछ भी लेकर आगे रख दो ये मानेंगे ही नहीं इसको। द पॉइंट इज आप किससे आर्ग्यू कर रहे हो, आप कुछ भी लाके रख दो मानना ही नहीं है, That is something they don't believe in. ऐसा करो, देखो कितनी अच्छी बात बोली, कितना अच्छा मैंने धागा पकड़ के खींचा, अभी शेरवानी खुलनी शुरू हो जाएगी, शेरवानी नहीं पजामा खुलना शुरू हो जाएगा। भैया सुप्रीम कोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की इस रिपोर्ट के खिलाफ एक याचिका डाल दो। देखो मैं तो हमेशा सत्य और मुसलमान के पक्ष की बात करता हूँ, कमबख्त मेरी कौम मेरी सुनती नहीं है, एक डाल दो। अपनी स्टडीज करवा लेना, आपके पास तो पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा, तो आप अपना करवा के ले आओ भाई, अगर वो हिंदुत्व वाले करवाया तो आप अपना करवा के ले आओ, अगर इसी तरह से फेक चीजें हो सकती हैं इतनी आसानी से तो आप भी करवा लो, आप भी करवा लो ना, आप क्यों पीछे बैठे हो, आपके पास नहीं इतनी पावर, आप भी फेक बनवा के ले आओ, इन लोगों ने फेक बनाया तो भी फेक बनवा लो, आप फिर देखेंगे। तो याचिका सुप्रीम कोर्ट में कि हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर भरोसा नहीं है, वो हिंदुत्व का हथियार है, हिंदुत्व का हथियार है, हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ये हम लिस्ट दे रहे हैं अंतरराष्ट्रीय
दस हिस्टोरियंस की। अरे क्या फर्क पड़ता है, हम कंप्यूटर्स भी कभी बाहर से लेते हैं, टेक्नोलॉजी भी बाहर से लेते हैं, हथियार भी बाहर से लेते हैं, क्रिकेट के लिए कोच भी बाहर से लेते हैं, याद नहीं मैं कितने दिन से ये बात बोल रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, हमने मान लिया ये सब हिंदुत्व के सिपाही हैं, हिंदुत्व के हथियार हैं। लिस्ट दे दो, दस हिस्टोरियंस की दे दो, छोड़ो इसमें हिस्टोरियन क्या करेंगे, दस इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट की लिस्ट दे दो सुप्रीम कोर्ट में। मिलॉर्ड मिलॉर्ड इसमें से पांच आर्कियोलॉजिस्ट को सरकार अपने खर्चे पर भारत में बुलाए और वो एक जगह का सर्वे करें, अपनी जो भी टेक जिसमें भी तुम्हें भरोसा हो, ये करोगे? करो, है हिम्मत? नहीं। जब ये बात काउंटर धरेगा कोई, जो रिजवान अहमद ने धरा, तो कहोगे मैं तो 1991 के कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे यकीन करता हूं, यानी चिंद भी मेरी, पढ़ भी मेरी, खड़ा भी औरंगजेब का, माने सिक्का खड़ा औरंगजेब का। तो मेरे भाई, अगर यही तुम्हें शिकायत है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया झूठा है और हिंदुत्व का हथियार है, और तुम खुद कह रहे हो कि एक्सपर्ट्स के सामने ये रिपोर्ट बेकार है, तो तुम ही उनकी लिस्ट दे दो ना सुप्रीम कोर्ट में, सारा लड़ाई किस बात की है? और उसके बाद अगर सरकार ये कहती है कि हम इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट की टीम इस सर्वे के लिए नहीं बुलाएंगे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करेगा, तब भाई मैं एक वीडियो बनाऊंगा किसके पक्ष में, जाहिल आजम के पक्ष में, कि यार देखो बात सही कह रहा है। अगर मन में कोई डाउट है, सारे डाउट क्लियर कर लो, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, सारे डाउट क्लियर कर लो कि ये मंदिर है या मस्जिद है, लेकिन गोल पोस्ट ना चेंज करो, गोल पोस्ट ना चेंज करो कि कभी कह दो आर्कियोलॉजिकल सर्वे पे भरोसा है, कभी कह दो नहीं है, कभी कह दो सुप्रीम कोर्ट पे है, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं है, कभी कह दो संविधान पे, कभी कह दो नहीं है, कभी कह दो शरीयत पे है, कभी कह दो नहीं शरीयत पे, थोड़ी चोरी करने पे हाथ थोड़ी कटवा लेंगे हम शरीयत के नाम पर, कभी कह दो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस पे भरोसा है ना, लिस्ट दे दो। कभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारी ढाल बनेगी, और अगर ये कहते हो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारी ढाल बनेगी तो मानो कि औरंगजेब ने मस्जिद गिराई थी। और एक साहब बोल रहे हैं कि कहीं भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये कहता है कि औरंगजेब ने ये मंदिर गिराया था, पहले मैंने बोल दिया मस्जिद गिराई थी, मंदिर गिराया था कोई भी नहीं है। मिस्रे आलमगिरी खोल के पढ़ लो, जाहिल आजम चार मीनारा के और इंतजामिया कमेटी के, जाहिल यासीन मोहम्मद यासीन खोल के पढ़ लो मिसले आलमगिरी, उसी दौर में औरंगजेब के दौर के बाद कुछ साल बाद, समझो मोटा मोटा मुगलिया ही दौर चल रहा था, उनके जो एडवाइजर थे उसने जो किताब लिखवाई थी उसमें लिखा है कि इस दिन इस तरह को ये फौज गई और उसने जाकर वहां पर इस मंदिर को वहां पर खंडित किया था। तो ईमान तो गया, छोड़ो ईमान तो तुम में है ही नहीं, अल्लाह की बात छोड़ो, अल्लाह से डरते तो कोई समस्या ही नहीं आती, माशाल्लाह मुसलमान सिवाय अल्लाह के सबसे डरता है, लेकिन बोलता है कि मैं सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डर रहा हूं। ऐसा मैंने कल बोला था, मैं तो बोलता हूं और मुझे पता है मैं किस किस के थ्रू वीडियो कहां कहां मेरे पहुंचते हैं। कल मैंने क्या बोला था कि मस्जिदों की लिस्ट दे दो जो मराठाओं ने और सिख एम्पायर के बीच में तोड़ी गई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाओ, आओ मुसलमान भाइयों हम मिलके उन मस्जिदों की लड़ाई लड़ते हैं जो मराठाओं ने और सिख एम्पायर में तोड़ी गई। आओ, आओगे या सिर्फ गाली दोगे? चलो ये नहीं कर सकते तो चलो दूसरी लिस्ट दे दो, दे दो, और सरकार से कहो कि सरकार उनको बुलाए, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दो, सुप्रीम कोर्ट नोटिस इशू करेगा और अपना। अब भैया सुनो, वो पांच के पांच आर्कियोलॉजिस्ट पाकिस्तान से ना बुलवा लेना है ना, और तुम कहीं से बुलवाओ। अरे भैया, अगर कोई विवाद फंसी गया है तो क्रिकेट में भी तो तीसरे देश के एम्पायर आते हैं ना, चलो रिजवान अहमद बोल रहा है बुलाओ, मन से बोल रहा हूं बुलाओ, तुमने अगर माखा दूध पिया ये लिस्ट दो जाकर सुप्रीम कोर्ट में, देख लेंगे तुम्हारे अंदर दम। और अगर वो न्यूट्रल एम्पायर या कोई भी एम्पायर किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाता तो वो कहता है ना थर्ड एम्पायर बोलता है ना, तो थर्ड एम्पायर चलो हमने तुम्हें मौका दिया, जो एम्पायर है वो झूठा है, ASI झूठी है, चलो तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ, कहो थर्ड एम्पायर बनाइए,
पांच सात आदमियों की, 20 आदमियों की तुम लिस्ट दो, सुप्रीम कोर्ट से बोलो इसमें से कोई सात चुन के लिए आए और ये सर्वे करवा लो। है दम नहीं है दम, क्योंकि तुम्हारी हरकत और तुम्हारी फितरत बताती है कि तुम कितने झूठे हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। इधर की गोल पोस्ट, अरे यार जितने भी तुम मस्जिद के लिए बयान देते हो ना, कम से कम एक जगह बैठ के तय कर लो कि मीडिया के सामने बोलना क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। Alright guys, amazing video. वैसे you know, मैं सारे videos review करती हूँ लोगों के, और I swear to God, हर किसी का अपना ही स्टाइल है धोने का। you know, जैसे मैं भी धोती हूँ लोगों का, मेरा भी अपना ही अलग ही स्टाइल है रोस्टिंग का या धोने का या जो भी बोले आप। मैंने बात तो आपसे बीच में ही मैंने बोला था कि भाई अगर हम खुदवाने पे आ जाए ना, अगर हम खुदवाने पे आ जाए ना ढक्कर, तो सब कुछ खोद डालेंगे। मैं तो कहती हूँ सब कुछ ही खोद डालो एक ही दफा। रिजवान जी नहीं जाते शाम पे, मैं जाती हूँ शाम पे। मैं कहती हूँ कि आप जड़ पे जाओ, और जड़ कहाँ से निकलेगी? जब तक आप खुदाई नहीं करेंगे तो रूट कैसे निकलेगी? आपको रूट देखनी है कि भैया ये इतना जो ढंडोरा पीटा हुआ है हमारे सर पे, डाला हुआ है कि भैया ये एक चीज है, यही सही है, बाकी तुम लोग सब भाड़ में जाओ। जो भी रिलीजन आई तुमसे पहले आए, ये तो मेरी एक कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता, राइट? के जितनी भी चीजें पहले आई वो खराब हैं, वो सही थी नहीं, हमारी ही सही है, और हम ही धांधली से इसको कहेंगे सही है, और हम सबूत भी नहीं पेश करेंगे क्योंकि अल्लाह मैंने कह दिया है तो बस है, बिकॉज वी आर सेइंग इट बस है तो है। डजंट वर्क दैट वे, आई स्वेयर टू गॉड इट डजंट वर्क दैट वे। सो एनीवेज, खुदाई तो होनी चाहिए, और अगर इतनी भी है और टेंटे चेंटे किस चीज की है? आज आप कौन से जमाने में रह रहे हो? आप कौन सी सदी में रह रहे हैं? आप लोग अभी तक मुझे लगता है सातवीं सदी में रह रहे हैं। भैया इन लोगों ने, गोरों ने ही या लोगों ने पता नहीं क्या क्या चीजें ढूंढ ली है भैया, डायनासोर्स के बोन्स तक ढूंढ लिए, आर्कियोलॉजिस्ट ने पता नहीं क्या क्या उठा निकाल लिए। आप अपनी टीम नहीं इकट्ठी कर सकते भैया? आप पूरी दुनिया से बुलाओ, मना तो कोई नहीं करेगा, आई एम प्रीटी श्योर कोई नहीं मना कर रहा। अगर आपने चैलेंज ही करना है, एंड यू आर सेइंग एंड आई एम प्रीटी श्योर यू कैन चैलेंज इट, क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो आप वहां लेके जाइए। आप कहें भैया ये तो हिंदू तो वालों ने करवाया है, हम अपनी टीम लेकर आ चाहते हैं, यू नो, और आप टॉप के लोगों को आप हायर करें। थोड़ा सा पैसा लगेगा मेरे ख्याल से, मगर आप अपनी मस्जिद के लिए थोड़ा सा पैसा नहीं खर्च कर सकते? अल्लाह की राह में आप पैसा नहीं खर्च कर सकते? अल्लाह की राह में आप पैसे ले तो सकते हैं लोगों से, आप दो भी ना थोड़े से अल्लाह की राह में लगाइए, और फिर अल्लाह की राह में आप इस मस्जिद को बचाइए और आप हायर कर ले। सिंपल सोल्यूशन है, मगर सिंपल सोल्यूशन लेंगे नहीं ना, बस बोले जाएंगे घुमाए जाएंगे। जलेबी बेबी, ओवेसी जलेबी बेबी, बस वो जलेबी खिलाएंगे आपको, कुछ नहीं। जितने भी लोगों से मैंने बात की वो जलेबी बना बना के यार दिमाग का दही कर देते हैं। उससे बोलते रहो कि भाई फैक्ट ये है, जाके यूं कर लो। हमारे पास सबूत है, कहीं सबूत दो ना, सबूत लिंक लगा दो, दे दो कुछ, दिखा दो कोई, पढ़ाई नहीं होता नहीं, हमारे पास सबूत है तो है, ये अल्लाह किताब है। अच्छा कैसे पता तुम्हें? बस है क्योंकि हमें अल्लाह ने कहा है। अल्लाह ने किससे कहा? वो उन्होंने कहा था, वो मैसेंजर आए थे, मैसेंजर ने कहा था। इट्स अ सर्कुलर आर्गुमेंट, गोल घूमते रहो, देयर इज नो एंड टू इट। फिर मैं वही बात बोलूंगी कि भाई जो चीज पहले थी, यू नो, और कोई चीज जो उसके बाद में आई, राइट? तो पहले वहां पे क्या होगा बताइए। देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल वर्डों में समझाती हूँ, शायद इन लोगों की समझ में आ जाए, राइट? देखें, एक खेत था, वहां पे पहले माली जो है ना, वहां पर क्या उगाती थी? माली वहां पर पालक उगाती थी, ठीक है? माली वहां पर पालक उगाती थी, फिर वहां पर कब्जा कर लिया लोगों ने आकर, राइट? माली इसके ऊपर कब्जा कर लिया और उन्होंने कहा हम यहाँ पे पालक नहीं उगाने देंगे तुमको माली, हम यहाँ पर टिंडे उगाएंगे, ठीक है? अब पता नहीं टिंडे उगते हैं कि नहीं उगते, बट यू नो हम यहाँ पे टिंडे उगाएंगे, ठीक है? फिर मालीज कहती नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अपना लैंड वापस लूंगी तुम लोगों से। मालीज कोशिश कर करके लैंड वापस लेती है। अब वहां पे लोग कहते कि नहीं नहीं तुम्हारा लैंड नहीं है, तो इनका लैंड है। मालीज कहती है नहीं, तुम खोदो वहां पर और तुमको वहां से पालक की जो है ना रूट्स निकलेंगी, वहां से आपको पता चल जाएगा पालक है उसमें कि नहीं है। फिर जब वहां खोदते हैं तो वहां से पालक निकल आता है, राइट? अब अगर वहां पालक नहीं होता तो वहां टिंडे ही टिंडे होते, राइट? कोई पालक का नामो निशान नहीं निकलता। आई होप ये टिंडे और पालक की मिसाल आप लोगों की समझ में आ गई होगी, वरना तो शांति
शांति, इस वक्त जो है ना मुझे मेडिटेशन की जरूरत है। ऑनेस्टली आज मेरे दिन में एक ही कपड़ों में ना मैंने 3-4 वीडियो बना लिए। आप जानते हो कि मेरी मेंटल हालत इस वक्त कैसी हो चुकी होगी, ये 3-4 वीडियो बनाकर और इन चीजों की ऐसी बातें सुन सुन कर। मगर मैं इसी वजह से लाल कपड़े पहन के बैठी ताकि मैं आग बगोला हूं तो अच्छी लगूं, वो भी रेड सूट में। एनीहाउ, रिजवान सिंह ने सही साफ बोल दिया, आप जाइए, आप अपना केस लेके जाए, केस लड़े और आपको साफ जवाब आ जाएगा, वरना आए बाएं शाएं करना बंद करें। मैं तो कहती हूँ सारी जगह पे खुदाई स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में सऊदी अरेबिया, और शायद हो भी जाए क्योंकि सऊदी अरब में वैसे भी बड़ी चीजें आ रही है। इसके लिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया है सऊदी अरब पे, वो देखना मत भूलिएगा, वो भी आज ही बना रही हूँ। ठीक है, एनीवेज गाइस, जाने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कोई और ऐसे वीडियोस हैं जिसपे आप चाहते हैं कि मैं रिएक्ट करूं, रिएक्शन दूं या रिव्यू करूं या जो भी है, राइट। और इसके साथ साथ मुझे बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, व्हाट एवर, डू यू अग्री विद मी, डू यू डिसएग्री विद मी, डू यू अग्री विद हिम, डू यू डिसएग्री विद हिम, सारी चीजें। और इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, आप ओनली फैंस, पेट्रियन, पेपल और पेटीएम के थ्रू थ्रू एवरीथिंग आप सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक या सारी जगहों पे मेंबरशिप है आप लोगों की, तो प्लीज मेक श्योर आप मेंबरशिप लीजिए। उससे ये होता है कि फिर महलीज अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकती है और अपना टाइम आप लोगों के लिए निकाल सकती है। एनीवेज गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो मैं अभी बाद में रिकॉर्ड करूंगी। ओके, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय। के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।